कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। नौकरी का क्या किया तुमने? क्यों छोड़ी? उस ऑफिस में अरे कोई आशिक वाशिक तो नहीं है ना तुम्हारा? सीधा साधा रिश्ता भिजवाया था, मुंह की खाई है उसने। इस तरह के महज़ब और शरीफ लड़के ना वैसी फासला रखते हैं फिर। लेकिन तुम नौकरी तो करो। दोबारा वहां जॉब नहीं कर सकती सलमान। क्यों नहीं कर सकते? उससे कोई झूठ बोला है या मुझसे बोल रही हो? नहीं सलमान बेटा। जी मोमानी जी। आ जाओ, हम लोग तैयार हैं, फिर निकलते हैं। बस आया अभी। ठीक है, इस टॉपिक पे बात खत्म नहीं हुई अभी, इस पे बात करनी है। याद रखना। बीमार आदमी को लिटाओ, बिठाओ, सुलाओ, नखरे उठाओ यार। आराम से बेटा, चलो 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 चलो। ये लो बेटा, बड़ी मुश्किल से जितने भी जमा हो सके हम ले आए, ये कर्ज अदा करो और दुश्मनों से जान छुड़ाओ। नानी आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? आप अम्मी को दे दें। लो भाई समन, तुम ही पकड़ लो। अब नहीं अम्मा, ये मैं तो नहीं ले सकती। आप घर के सरबरा शकील हैं, आप इन्हें दे दें ताकि वापसी की जवाबदारी भी इन्हीं की हो। लो भाई शकील, तुम ही पकड़। मेहरबानी तुम्हारी अम्मा जी, बुरी चीज होता है ये कर्ज, कभी भी नाक के फन की तरह खड़ा हो जाता है, इसीलिए तो कोई कर्ज लेना नहीं चाहता। मगर वो जब किस्मत बिगड़ी हो तो मजबूर इंसान क्या कर सकता है। नहीं शकील भाई, ये कर्ज नहीं है, बस समझें कि ये आप ही का पैसा था, इसलिए इसे वापस करने के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। दरवाजा नॉक कर रही हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो? ओ, शायद आवाज नहीं आ रही थी। कहिए। क्या वो लड़की नौकरी छोड़ के चली गई है? जी हाँ, चली गई है। क्यों? इसलिए कि तुम पहले तो भाग भाग के ऑफिस जाते थे, जब से वो लड़की नौकरी छोड़ के चली गई तुम ऑफिस ही नहीं जा रहे हो। चला जाऊंगा,
तुम उस दिन मेरे साथ सालगिरह पर नहीं गए। ये सुन के जानते हो बाबा कितना गुस्सा करेंगे। अब तुम तैयार रहना उनकी डांट सुनने के लिए। आप मुझे वहां क्यों ले जाना चाह रही थी? मेरा रिश्ता कराना चाहती हैं। ऑफ कोर्स, हम तुम्हारी शादी अपने ही जैसे लोगों में करेंगे। किसी शादीशुदा लड़की से इश्क चलाने के लिए छोड़ दिया जाए? अभी प्लीज, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मायरा से, बस। फिर वही? जी हाँ, फिर वही, और बार बार वही। आप बाबा से कह दीजिएगा कि उसका बेटा पागल हो गया है। देखो आतिर, तुम्हें खानदान की इज्जत से खेलने की इजाजत हम नहीं दे सकते, समझे तुम? शजिया की वजह से हम पहले ही बहुत सफर कर चुके हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मैं जा रही हूँ, दाफ़ेस। तुम वाकई में जा रही हो? आप कहेंगे तो रुक जाऊंगी। रुक सकती है, पहले रुक जाओगी मेरे पास? बीवी हूँ आपकी, आप रोकना चाहेंगे तो रुक जाऊंगी, हुक्म देकर भी और प्यार से भी। रुकना चाहती हो? आप मुझसे नहीं पूछा करें इस तरह के सवाल, मुझे नहीं पता इनके जवाब। अगर मैं ऐसे सवाल नहीं करूंगा तो तुम्हारे इतना कंफ्यूज चेहरा कहां देखूंगा मैं? तो आप ये सब कुछ मुझे तंग करने के लिए करते हैं? शोहर का और काम ही क्या होता है, बीवियों को तंग करना। बस वो चाहे वो प्यार से हो या वो गुस्से से हो। तो शादी के बाद तो आप गुस्सा नहीं करेंगे ना मुझ पर? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं? क्यों करेंगे? जब जब करूंगा, जब तुम ठंडी चाय की प्याली लाओगी, या जब रोटी गोल नहीं बनाओगी, या बल्कि जब बाथरूम की चप्पल को गीली करने के बाद उसको खड़ा दीवार के साथ नहीं रखोगी तब। शादी के बाद मुझे आपकी चप्पल का भी ख्याल रखना पड़ेगा? देख लो, ऐसा हूं मैं, टेढ़ा मेढ़ा पति। जान का अजाब बन जाऊंगा मैं तुम्हारा? ठीक है, बन जाइएगा। आप जैसा अजाब मैं खुशी खुशी झेलने को तैयार हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अंदर आ सकती हूँ। मिशाल, मुझे अम्मी बता रही थी कि वो डॉक्टर ने सारी दवाइयां तुम्हें बता दी थी, अभी तुम तो चली जाओगी। तुम्हारे जाने के बाद भाई को सारी दवाइयां मैंने ही देनी है, तो एक काम करो, मुझे बता दो। ठीक है। ये देखो, ये वाली दवाइयां सुबह दोपहर शाम देनी है। हाँ। और ये वाली एक दोपहर में। सही है। और ये रात में। ठीक है, समझ। ये सारी डिटेल लिखी हुई आगे। रमशा जी। जी भाई। तुम मिशाल से आप करके बात क्या करो? तुम्हारी भाभी है भाई। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, भाभी भाभी ही बोलूंगी। अब मैं जाऊं या रुक जाऊं? नहीं, आप जाएं। जाऊं? जी जी प्लीज, आप जाइए, जाइए जाइए। चल ओके। अब मैं भी जाऊं? जाओ।
मिशाल, शाल आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से अरसलान भाई के साथ ऐसा हो जाएगा। जब छोटे बड़ों वाली बातें करते हैं ना, बड़बड़ कर बड़ों की बातों में हिस्सा लेते हैं, तो उनके अपने बड़े बोल उनके सामने आ जाते हैं। मायरा आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, आई एम सॉरी। तो फिर तुम वादा करो कि आइंदा तुम कभी मेरे और अरसलान के मामले में नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसे मत नाराज हो, मुझे तुम्हें ऐसे देख के रहा नहीं जाता। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मैंने जानबूझ के सच में कुछ नहीं किया था। अब अपना वादा याद रखना, और अगर आइंदा तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं। ठीक है, आ रहा हूं यार। क्या कर रहे थे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वे नोट गिन रहा था और अपने 10 लाख अलग कर रहा था। क्या हो गया बाब? ये पैसे अरसलान का कर्जा लौटाने के लिए मुमानी से लिए थे। हाँ तो जो उसने मेरे 10 लाख डुबोए हैं वो वापस नहीं लूंगा क्या? देखो बाब, घर के मुर्गे हो दाल बराबर, आपका कर्जा एंड में वापस होगा। भाई निकल बाहर, निकल निकल। ए कौन तू बाप पे हुक्म चलाने वाला? मैं वो हूँ जिसने भाई पर गोली चलवाकर पैसों का इंतजाम किया। पहले बाहर वालों का कर्जा उतरेगा फिर जेबों में जाएगा। अबे दूंगा उल्टे हाथ, कब तूने बोला था 20 आएंगे, 12 आए हैं सर। टेंशन क्यों ले रहे हो यार? अभी हमने मुमानी के घर से बहुत पैसे कमाने हैं, इतने कमाने के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। अबे कर क्या रहा है? एक मिनट, एक छाना सारे नहीं लेके जा रहा, कुछ आप भी रख लो। ऐसा करो आप, ये रख लो, बाकी कर लेंगे ना मैनेज। ओए हडराम, ये ज़कात दे रहा क्या? अम्मी जी। बेटा मुझे आपको एक बात बतानी है। कहो। एक मिनट बताओ। सलमान के बारे में? याल्ला खैर। बेटा तुम्हें पता है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज रखा। अब तुम कोई नया इशू लेकर मत बैठ जाना। उसने बहुत अजीब बात बोली है। क्या? मैंने ऑफिस से रिजाइन दे दिया है, कह रहा है मुझे ऑफिस वापस जाना चाहिए। बावजूद इसके कि वो जानता है आतिर ने तुम्हारा रिश्ता भेजा था, फिर भी? जी। अच्छा, मैं 2-3 दिन में उससे बात करती हूँ, तुम इस सिलसिले में उससे कोई बात मत करना। हेलो। जब शोहर फोन करे तो हेलो नहीं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कहाँ हो? घर पे। घर पे क्या कर रही हो? घर के छोटे मोटे काम। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन करो, सुनी नहीं थी मेरी बात। सलमान तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं दोबारा उस ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं,
ये तुम्हारी कैसी जिद है? मैं दोबारा वहां क्यों जाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसने मेरी बीवी का रिश्ता मांगने की जुर्रत की। क्या मतलब है? तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में हूं, 10 मिनट में यहां पहुंचो और मुझे उससे मिलवाओ। 10 मिनट में? मैं अगर तुम 10 मिनट में यहां ना पहुंची तो मैं खुद जाके उससे मिल लूंगा। सलमान, तुम उसे मिलके क्या करोगे? और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, ठीक है? अच्छा तुम रुको, मैं आ रही हूं वहां पे। रॉकेट की स्पीड से पहुंची हो, 40 का फासला 25 मिनट में तय कर लिया। तुमने बात ही ऐसी की थी। चलो चल के मिलवाओ मुझे उससे। तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? चलो ठीक है, मैं नहीं मिलता, तुम ऑफिस जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जाओ, मैं यहीं हूं। ऑल द बेस्ट। जाओ। ठीक है। जाइए, मैं मुझे मालूम था कि आप वापस जरूर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर आतिर, मैं सलमान, मायरा का हस्बैंड। ओह, वेलकम। बिठाएंगे नहीं? ऑफ कोर्स, आइए प्लीज। प्लीज
प्लीज। किस सिलसिले में आना हुआ आपको? मेरा ख्याल है कि मेरे आपके और मायरा के बीच में खामखा एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई है। उसे खत्म करने आया। इट्स ओके, आप घबराइए मत। मैं आपसे इस बात पर नाराज नहीं हूं कि आप मेरी बीवी का रिश्ता लेने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। बात यह है कि मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं। एग्जैक्टली, आई नो, इसलिए तो मैं आपसे लड़ने नहीं आया। लेकिन अगर ये बात जानने के बाद भी आपने हरकत की होती तो खैर, तुम्हारी आपस में कोई लड़ाई नहीं बनती। यू आर वेरी काइंड, सो नाइस ऑफ यू। जब मायरा ने बताया कि इस बात की वजह से इसने जॉब छोड़ दी, मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे पेटी इश्यूज की वजह से इसका करियर तो खराब नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ऑफ कोर्स, मैंने एक्सक्यूज किया था, मैंने इनको समझाया भी था, लेकिन मैं इसीलिए आया हूं कि आप मेरी बीवी को उसकी जॉब वापस करते हैं। एक्चुअली मैं उन लोगों में से नहीं हूं या ऐसा शौहर नहीं हूं जो इन मामूली सी बातों के ऊपर बीवी को घर बिठा ले या उस पर शक करे। इनफैक्ट मैं बिलीव करता हूं औरत की खुद मुख्तारी और एम्पावरमेंट पे, और यही बात प्रूफ करने के लिए यहां आपके सामने मौजूद हूं। नाइस। इस बात का फैसला तो मायरा को खुद ही करना चाहिए, नहीं? इसे मैंने समझा दिया और यकीन भी दिलाया कि मुझे इसके यहां जॉब करने पे कोई एतराज नहीं होगा। बस इसे याद रखना होगा कि शी इज माय वाइफ। और आप भी बात भूलिएगा मैं। आप करते क्या हैं? मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूं इनसे। ज्यादा चाहूंगा, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। कल ही जॉब पे आ रही है? श्योर। मुलाकात रहेगी आपसे? जरूर। ठीक है। सलमान, मुझे यहां जॉब नहीं करनी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं करनी? तुम्हारा कोई अफेयर था उसके साथ? या फिर तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे अनईजी फील होता है। वही तो पूछ रहा हूँ, अनईजी, अनकंफर्टेबल क्यों होगी? मैं इसलिए आया था ताकि उस आदमी को पता चल जाए कि उसे मोहतात रहना होगा। तुम कोई ऐसी लड़की नहीं हो जिसका कोई वाली वारिस ना हो। अगर उसने तुम पर बुरी नजर डाली तो आगे निकाल दूंगा उसकी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं चाहिए, चुप करके नौकरी करो, पैसे कमाओ। इधर उधर की सोचने पर लगी हुई चलो। बेकारा बेचारा सा मेरे।
आपके घर का रास्ता तो नहीं है? हाँ, हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? हमें एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। जी सर, बिल्कुल खुल जाएगा। आप दोनों मियां बीवी हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आजकल हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते नहीं हैं। इस तरह वाइफ को हस्बैंड की सारी अकाउंट डिटेल्स पता चल जाती हैं। यू आर सो लकी मैम। हो गया, अकाउंट खोलें। श्योर सर। आप जॉब कहाँ करते हैं? आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह चाहिए होगा? मेरा अपना बिजनेस है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई लेटर हेड इस वक्त मौजूद नहीं है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है ना, वो दे दो ना, इनके पास है अभी। मैम ये फॉर्म फिल कर दीजिए और जाते हुए कुछ अमाउंट जमा करवाते हुए चले जाएं। सही, इट्स मोर देन एनफ। यहां टिक करो। ये भी टिक करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अरे मायरा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? थक गई हूँ दादी, आराम करूंगी थोड़ा। अरे सुनो तो, ये सलमान आया हुआ है, उससे पूछो क्या पसंद करता है खाने में, उसके पसंद का खाना बना कर दो उसे। क्या खाओगे तुम बता दो, मैं बना देती। वही जो दुनिया की सबसे आसान डिश है। कुछ भी नहीं, तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। अच्छा चलो जाओ जाओ आराम करो। अरे ये तो बताओ बेटा, अरसलान कैसा है? बेहतर है, कुछ दिनों में और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जरूरी बात मायरा की जॉब के हवाले से होगी। आप फिक्र ना करें, हम दोनों ने आपस में बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आज मुलाकात भी होगी मेरी उस आतिर से। अरे क्या हो गया, पैसे क्यों देख रही हैं? मैं मायरा की जॉब के खिलाफ नहीं था और ना ही अब हूं। एक पढ़ी लिखी लड़की को यूं घर बिठाना, उसका करियर छीन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। कल से वो ऑफिस जाएगी, मैं उसे कभी कभार पिक कर लिया करूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा, तो दोबारा आतिर जैसा केस नहीं होगा। ओके नानी, खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज। ओके मामी, खुदा हाफिज। बेटा सलमान ने वहां जाकर क्या कहा है? बताओ बताओ ना बेटा, सलमान तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है? ये जॉइंट अकाउंट वाली बात हम दोनों की बात है, हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा, कुछ तो बोलो। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी।
गुड, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम पर, तुम्हारी हर चीज पर पूरा हक है मुझे और तुम्हें भी है। जब मैं कमाऊंगा, लाखों करोड़ों में कमाऊंगा, तो तुम भी घर बैठ के याशी करना और मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा। मैं कितनी बार कहा है ऐसे मनुष्य शक्ल बना के मेरे सामने मत बैठा करो, लगता है पता नहीं कौन सा जुन का पहाड़ तोड़ा तुम। मेरे प्यार का रिस्पांस दिया करो, मेरे जोक्स पर हंसा करो, हंसो, मुस्कुराओ। That's my girl. चूज़ कैसा लगा? अच्छा, और पियोगी? नहीं, घर चलते हैं। जैसे मेरी बेगम साहिबा का हुक्म, चलिए। एक्सक्यूज मी, क्या बात है बोलो। कुछ नहीं अम्मी, कुछ तो है। क्या क्या कहा है सलमान ने तुम्हें, बताओ क्या किया उसने तुम्हारे साथ? कभी ऐसा हुआ है अम्मी आपके साथ क्या आपको अपनी एक एक सांस का हिसाब किसी को देना पड़ा? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप पानी में गिर गई हो और आपको सांस नहीं आ रही हो? किसी इमारत के मलबे के नीचे दब गई? मायरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे बताओ क्या क्या कहा सलमान ने तुम्हें? वो क्या कहेगा मुझसे? वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत जिस पे कब्जा किया जाता हो, दूसरे की एक एक सांस को कंट्रोल किया जाता हो, जिससे शायद आपको सांस आना बंद हो जाए, कभी थोड़ी बहुत, कभी मुकम्मल तौर पे, शायद सफोकेशन भी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, आदत हो जाती है ना मम्मी। तुम आतिर के ऑफिस नहीं जाना चाहती ना बेटा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, सलमान चाहता है। तुम मना कर दो उसे। मेरे मना करने से वो मना हो जाएगा?